स्वागत है द न्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज हम बात करेंगे वीवो के X50 के बारे में। ये है हमारा वीवो का लेटेस्ट डिवाइस जो कि हमारा 35,000 रुपए का फोन है। ये डिवाइस एक्चुअल में मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी फोन नहीं लगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ऐसा क्यों लगा मुझे, ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी इसी वीडियो में। इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि 35,000 रुपए के बजट में अगर आपको कोई नॉन चाइनीज फोन चाहिए तो एक हमारे पास काफी बढ़िया सी ऑप्शन आ जाती है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में। परफॉर्मेंस देखी जाए तो एक बहुत ही मेजर पार्ट होता है किसी भी डिवाइस के लिए, और इस डिवाइस के अंदर हमें मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर। मतलब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये है हमारा पोको का पोको X2। इस डिवाइस के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर मिलता है और ये हमारा 18,000 रुपए का डिवाइस है। आपको 730 मिल रहा है इस फोन में, GB नहीं मिल रहा, और ये हमारा डबल प्राइस में 35,000 रुपए में ये फोन आपको मिल रहा है। परफॉर्मेंस देखी जाए तो इस बजट के हिसाब से 35,000 रुपीज के हिसाब से आपको इस फोन में अच्छी नहीं मिलती है। उसके साथ एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया इस फोन के अंदर कि आपको बिल्कुल भी परफॉर्मेंस अच्छी ना मिले, उसके लिए इस डिवाइस के अंदर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिलती है और उसके साथ आपको LPDDR4X रैम मिलती है। मतलब स्टोरेज स्पीड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी रीड स्पीड आई है 500 MBPS की और हमारी जो राइट स्पीड है वो आई है हमारी 200 MBPS की, जो कि हमारे एक्चुअल में 15,000 रुपए के बजट के डिवाइसेस के लिए तो ठीक है, 35,000 के लिए नहीं। अब प्रोसेसर जो होता है हमारे डिवाइस का, वो बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। मतलब सिर्फ गेमिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आपकी इमेज प्रोसेसिंग जो कैमरा की मिलती है वो भी हमारे प्रोसेसर पे डिपेंड करती है। आपकी ऐप लोडिंग टाइम, आपका बूटअप टाइम, ये सारी चीजें हमारी की स्टोरेज स्पीड कैसी है, प्रोसेसर कौन सा है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। और इस फोन में हमें बजट के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं अच्छी मिल रही, प्रोसेसर जो है वो हमारा वीक है। अब एक्चुअल में दुख की बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि ये जो हमारा डिवाइस है X50, इसका जो हमारा इंटरनेशनल वेरिएंट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं X50 की बात कर रही हूँ, X50 प्रो की नहीं, जो हमारा X50 का इंटरनेशनल वेरिएंट है उसका सेम प्राइस मिलता है आपको बाहर भी। मतलब बाहर भी हमारा वो 35,000 रुपए के प्राइस में आपको मिल जाता है $500 में, और उसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन का हमारा 765 प्रोसेसर मिलता है और 5G सपोर्ट भी मिलता है। लेकिन हम इंडियंस के लिए यहाँ पे ये स्पेशली निकाला गया है छोटे और वीक प्रोसेसर के साथ, और 5G सपोर्ट भी हमें नहीं मिलता, स्टोरेज स्पीड भी हमें इस डिवाइस के अंदर अच्छी नहीं मिलती। मतलब ये चीज़ मुझे देख के बहुत ही बुरा लगता है। अभी ऑलरेडी देखा जाए तो चाइनीज ब्रांड्स के लिए काफ़ी गुस्सा है लोगों के मन में, उसके बाद ऐसी चीज़ देख के तो और बुरा लगता है। मतलब बाहर इंटरनेशनल वेरिएंट में आप वो चीज दे रही हैं, लेकिन हमारे इंडिया के लिए स्पेशली आपके डिवाइस की परफॉर्मेंस को डाउनग्रेड किया गया है सेम प्राइस में, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। अब इसके साथ ही अगर मैं आपको डिवाइस का एंटूटू स्कोर दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 281,000 हमारा स्कोर आया है बजट के हिसाब से, जो कि काफी कम है। मतलब इसी बजट में हमारे पास जो डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि हमारा Realme का X2 Pro आ जाता है जिसके अंदर आपको 855 प्लस प्रोसेसर मिलता है, इनका स्कोर हमारा 5,00,000 प्लस आता है। और एक्चुअल में मैं किसी और कंपनी की क्या बात करूं, हमारे Vivo का ही जो दूसरा ब्रांड है iQOO, सेम बजट में iQOO 3 हमें मिल जाता है जिसके अंदर आपको Snapdragon 865 का प्रोसेसर मिलता है और इसका स्कोर हमारा 580 के पास आता है। मतलब डबल की परफॉर्मेंस का डिफरेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोनों डिवाइसेस में, दोनों हमारे सेम कंपनी के सेम प्राइस में आने वाले डिवाइसेस हैं। ये चीज देखी जाए तो एक्चुअल में जस्टिफाइड नहीं है। अब गेमिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको PUBG सेटिंग्स यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। हमारे X50 के अंदर हमें मिलती है HD ग्राफिक्स के हाई फ्रेम रेट पे गेम की सेटिंग्स, और जो हमारे इसी बजट के बाकी डिवाइसेस हैं उनके अंदर आपको ग्राफिक्स HDR मिल जाते हैं, उसके साथ फ्रेम रेट को आप अल्ट्रा या फिर एक्सट्रीम पे भी सेट कर सकते हैं। तो गेमिंग एक्सपीरियंस भी आपको डिवाइस में एक्चुअल में ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलेगा बजट के हिसाब से। अब इसके साथ जब भी मैं किसी भी फोन को अनबॉक्स करती हूँ, सेटअप करती हूँ, कुछ चीज़ें मैं वहीं पे टेस्ट कर लेती हूँ, जैसे कि हमारे लॉक इन सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट लॉक। और इस डिवाइस के अंदर मुझे यहाँ पे भी काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ देखने को मिली कि हमारा जो फेस अनलॉक है वो बहुत ही बेकार है। मतलब आपका ये डिवाइस जो है, आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, ये अनलॉक कर देगा फोन को, वो एक बात हो गई, लेकिन ये आपके साइड फेस से भी डिवाइस अनलॉक हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ करके दिखाती हूँ।
ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा फोन, ये अभी लॉक स्क्रीन पे है और मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, कैमरे की तरफ देख रही हूँ और ये डिवाइस हमारा अनलॉक हो गया। एक बार फिर देखते हैं, ये आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पे है और साइड फेस से ये हमारा अनलॉक हो गया। मतलब ये चीज देखी जाए तो आज की डेट में हमें 10,000 रुपए के फोन में भी देखने को नहीं मिलती है, ये 35,000 रुपए का डिवाइस है हमारा वीवो का। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम डिवाइस के डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले मुझे इस डिवाइस का काफी सही लगा। सबसे पहले एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये जो हमारा X50 है इसमें हमें फ्लैट स्क्रीन मिलती है, जो हमारा X50 Pro है उसमें हमें डुअल कर्व स्क्रीन मिलती है। लेकिन डिस्प्ले वैसे कलर्स वाइज आपका बहुत ही ब्राइट और वाइब्रेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इसके अंदर मिलता है E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले 6.56 इंच का, जिसके अंदर आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन मिलती है, पंच होल डिजाइन मिलता है आपको। डिस्प्ले के अंदर आपको कलर्स एकदम मजेदार वाले मिल जाते हैं, ब्राइटनेस बहुत अच्छी मिलती है, व्यूइंग एंगल्स कमाल के मिलते हैं। इसके साथ आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है इसके डिस्प्ले में, तो आपको काफी स्नैपी एनिमेशंस भी देखने को मिलेंगी। मतलब डिस्प्ले तो हमारा बहुत ही मजेदार है, साथ ही डिवाइस का जो डिजाइन है वो भी मुझे एक्चुअल में बहुत ही इंप्रेसिव लगा। इस डिवाइस के अंदर हमें मिल जाती है ग्लास बॉडी, बहुत ही प्रीमियम लगेगा डिवाइस आपको हाथ में होल्ड करने में, साथ ही आपको एल्यूमिनियम फ्रेमिंग मिलती है। उसके साथ आप देख सकते हैं बैक साइड में जो ये मैट लाइक फिनिश आ रहा है इसमें लुक बहुत ही बढ़िया नजर आती है। डिवाइस आपके हाथ में होल्ड करा हुआ काफी स्टाइलिश लुक देगा और वैसे मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको इसको ध्यान से यूज करना होगा, क्योंकि जैसे हमें ग्लास बॉडी मिलती है, मेटल फ्रेमिंग मिलती है, हमारे एजेस थोड़े से कर्व्ड हैं बैक साइड से, तो डिवाइस हमारा हल्का सा आपको स्लिपरी लगेगा। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात का अगर आप इस फोन को खरीदते हैं कि इसकी बैक साइड में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, तो अगर ये डिवाइस आपके हाथ से छूट के गिर जाता है तो ये टूट सकता है। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मेरे पास वीवो का वीवो नेक्स था और वो मेरा एक बार गिरा, उसके पीछे भी हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ग्लास बॉडी मिलती है और आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा हमारा शैटर्ड हो गया, पूरा टूट गया। मतलब कुछ डिवाइसेस में होता है कि एक आधा क्रैक आ जाता है, लेकिन ये पूरी तरह ब्रेक हो गया हमारा इसका बैक। अब एक्चुअल में देखा जाए तो आज की डेट में हमारे जो 15,000 रुपए के भी फोन हमें मिलते हैं जिनमें ग्लास बॉडी आती है, उनके पीछे भी हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। यहाँ पे वीवो ने काफी कॉस्टली डिवाइस निकाला है और इसके पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब आपका 35,000 रुपए का फोन एक बार गिरा और आपके पैसे वेस्ट। उसके साथ वैसे डिवाइस के डिजाइन में मुझे एक चीज ये भी अच्छी लगी कि हमारा ये काफी लाइट वेट और स्लिम डिजाइन मिलता है हमें डिवाइस के अंदर। मतलब ग्लास बॉडी है इसके अंदर, हमारे पास मेटल फ्रेमिंग भी है, उसके बाद आपको डिवाइस के अंदर 4200 mAh की बैटरी भी मिल जाती है, लेकिन डिवाइस हमारा स्लिम एंड स्लीक सा है। 4200 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए बॉक्स के अंदर आपको मिलता है 33W का फास्ट चार्जर। अब यहाँ पे भी मुझे एक्चुअल में अच्छा नहीं लगा क्योंकि सेम प्राइस में हमारा आईकू आ जाता है, सेम कंपनी सेम प्राइस, लेकिन इसके अंदर आपको 55W का फास्ट चार्जर मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें 33W का फास्ट चार्जर दिया गया है। मतलब कंपनी के पास था और वो अभी दे भी रहे हैं दूसरे फोन के अंदर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सोचा रहने देते हैं। इसके साथ आपको बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिलती है टाइप सी केबल और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे ईयरफोन्स हैं जिनके अंदर आपको मिलता है 3.5 हेडफोन जैक। और आपको मैं बता दूं बड़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई कि हमें कनेक्टर मिल जाता है 3.52 टाइप सी कनेक्टर, क्योंकि आपके फ़ोन के अंदर 3.5 mm पोर्ट नहीं है। मैंने अभी X50 Pro की भी अनबॉक्सिंग करी थी जिसके अंदर हमें कनेक्टर जो था वो मिसिंग था, आपको यहाँ पे मिल जाता है और मैं सही में काफ़ी खुश हूँ कि X50 में मुझे मिल गया। क्योंकि मुझे जब ऑडियो टेस्ट करना होता है तो एक्चुअल टेस्टिंग करने के लिए आपको आपको ऑडियो आउटपुट कैसा मिल रहा है डिवाइस का, उसके लिए कंपेटेबल आपको कनेक्टर चाहिए होता है। अगर आप दूसरी कंपनी का या फिर कोई लोकल कनेक्टर लगाएंगे तो आपको एक्चुअल में वैसा साउंड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, मतलब सुनने को नहीं मिलता। तो अच्छी बात है, अब मैं इसका ऑडियो टेस्ट और उसको ऑडियो टेस्ट आपको जल्द दे दूंगी, वो मेरे TNG रिव्यू चैनल पर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं डिवाइस के मेजर हाईलाइट के बारे में, जो कि है इस डिवाइस का कैमरा। कैमरास की बात करें तो बैक में आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जिसमें 48 वाला जो मेन कैमरा है उसमें के अंदर आपको कस्टमाइज सेंसर मिलता है 598 का, उसके साथ 13 का आपको मिलता है बुके और उसके साथ 8 का वाइड और 5 का हमारा मैक्रो।
उसके साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है पंच होल डिजाइन में। कैमरा मुझे एक्चुअल में डिवाइस का काफी अच्छा लगा। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बैक कैमरे की पिक्स हैं, नॉर्मल मोड की पिक्स हैं, और यहाँ पे 48 वाली पिक है जिसके अंदर आपको अच्छी डिटेलिंग मिल रही है, फोकसिंग अच्छी थी कैमरा की। उसके साथ आपको वाइड एंगल में आप देख सकते हैं पूरा लैंडस्केप हमारा इजीली कैप्चर आप कर सकते हैं, बढ़िया रहती है ये पिक्स। बुके मोड के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एज डिटेक्शन काफी अच्छा मिल जाता है, बैकग्राउंड ब्लरिंग भी हमारी बढ़िया आ रही है। इसके साथ आपको मैक्रो लेंस जो मिलता है उसके अंदर आप अपनी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x जूम में भी हमें पिक्स के अंदर अच्छी डिटेलिंग मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्फी कैमरा के पिक्स, यहाँ पे हमें ब्यूटी कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, फिल्टर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पोर्ट्रेट मोड में इसके अंदर भी एज डिटेक्शन हमारा काफी सही आया है। वीडियोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो डिवाइस के अंदर हमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं ये मेरा 4K वीडियो सैंपल है जिसमें आपको स्टेबलाइजेशन काफी अच्छा मिल रहा है और फोकसिंग भी अच्छी है डिवाइस की। इसके साथ जो हमारा सेल्फी कैमरा का वीडियो है वो हमारा काफी शेकी आया है, हालांकि स्किन टोन काफी अच्छे से मेंटेन्ड है। मेरे हिसाब से कोई सॉफ्टवेयर स्टेबलाइजेशन डाला जा सकता था जिससे थोड़ा शेकीनेस कम हो जाती। ओवरऑल देखा जाए तो एक्चुअल में कैमरा मुझे इस डिवाइस के काफी सही लगे, आपको स्टेबलाइजेशन फोकसिंग काफी अच्छी मिल जाती है। अब इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि नॉन चाइनीज फोन अगर आपको लेना हो इसी बजट के अंदर तो हमारे पास आ जाता है सैमसंग का फ्लैगशिप फोन जो कि है हमारा S9 Plus। अब ये जो हमारा फोन है S9 Plus ये एक्चुअल में वीवो से देखा जाए तो बहुत सारी चीजों में बहुत ही बेटर निकल के आता है। मतलब सबसे पहले तो इस फोन के अंदर जैसे कि सैमसंग का फ्लैगशिप फोन है आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर भी मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 9810 का, और एंटूतु स्कोर आप डिवाइस का देख सकते हैं X50 से हमारा काफी अच्छा आया है 3,26,000। उसके बाद हमारे सैमसंग के ऑप्टिमाइजेशन भी काफी बढ़िया होती है तो आपको डिवाइस के अंदर परफॉर्मेंस S9 Plus में बेटर मिलेगी X50 के कंपेरिजन में। उसके साथ आपको इस डिवाइस के अंदर अभी के सारे सैमसंग के अपडेट्स भी मिलते हैं जैसे One UI 2 मिल जाता है, Android 10 मिल जाता है जिसमें आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो जाता है। उसके साथ आपको इस डिवाइस के अंदर बहुत सारे फ्लैगशिप फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि इस बजट में कई सारे फोन्स में हमें देखने को नहीं मिलते, जैसे कि आपको इस डिवाइस के अंदर वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। उसके बाद आपको इस डिवाइस में प्रोटेक्शन मिल जाती है, सबसे पहले तो आपको फ्रंट एंड बैक पे गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, उसके बाद आपको IP68 रेटिंग भी मिल जाती है तो पानी में भी डिवाइस हमारा खराब नहीं होगा। उसके साथ इस डिवाइस के अंदर आपको हार्ट रेट मॉनिटर मिलता है, एच डिस्प्ले मिलता है, डुअल कर्व डिजाइन मिलता है जो कि इसमें तो हमारा मिसिंग है, और उसके बाद आपको डिवाइस के अंदर 2K रेजोल्यूशन मिल जाती है डिस्प्ले के अंदर, तो डिस्प्ले इसका आपको यूज करने में बहुत ही मजेदार वाला लगेगा। ये जो हमारा डिवाइस है S9 Plus इसका सिर्फ सेल्फी कैमरा जो है वो आपको ओके लगेगा, बजट के हिसाब से इसका हमारा काफी सही है तो आपको सिर्फ सेल्फी कैमरा में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसके अलावा इस डिवाइस में आपको फीचर्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं, उसके साथ सिक्योरिटी जो हमारे इसके अंदर मिलती है मतलब आपको फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट लॉक तो अच्छा मिल रहा है, उसके बाद जो डाटा सिक्योरिटी होती है वो भी हमारी इस डिवाइस में बढ़िया निकल के आती है क्योंकि सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी काफी अच्छी है हमारे बाकी डिवाइसेस के कंपैरिजन में। सो नॉन चाइनीज फोन जो लेना चाहते हैं इसी बजट के अंदर वो इस फोन के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा वीवो का X50 जो कि एक्चुअल में मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं लगा। मतलब हमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन मिल जाती है फोन के अंदर मतलब कैमरा के अंदर, बट सिर्फ उसका क्या फायदा, आपका फोन जो है वो परफॉर्मेंस वाइज वीक है, उसमें छोटा प्रोसेसर मिलता है बजट के हिसाब से आपको, उसके बाद आपको डिवाइस के ऊपर कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है मतलब गिरा तो टूट सकता है, उसके बाद आपका फोन जो है उसको कोई भी आएगा साइड से आपके फेस से अनलॉक करके चेक कर सकता है अंदर फोन में क्या क्या है। तो मुझे तो इस बजट के हिसाब से 35,000 रुपीज के हिसाब से ये फोन बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगा फोन, क्या चीज कैसी है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्द वापस आऊंगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।